महामंत्री भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और इस बीच प्रधानमंत्री सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं कहां पर मौजूद हैं। भारत मंडपम में बताया जा रहा है पीएम है। चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। होंगे बिल्कुल। सो सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बहुआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है। सो नमस्ते सर, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी एंड द अवार्ड गोज टू कविताज किचन। एक हाउसवाइफ जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर। She has played a vital role in celebrating the rich culinary heritage of India. कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। सर धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है, तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा। और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अच्छा हुआ आप इस काम को किया और आपके कारण लोग जानेंगे, वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है वो सैटरडे शाम को किसी के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं फास्ट फूड, और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा, और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहाँ परंपरागत से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था जी। फिर से आ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा, खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या कर रही हैं? मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार बाजरा रागी ये सब फ्लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी ज्वार फ्लोर काजू किशमिश क्रश करके, और उसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ। तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है। तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में आजकल डाइटिशियन डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट्स खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। मैं अभी यूएस में, मुझे निमंत्रित किया गया था तो व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा डिनर था, सबके लिए वेजिटेरियन था, और सरप्राइजिंगली 80% डिश मिलेट्स की थी व्हाइट हाउस में। तो मिलेट हम सबको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। और ये नहीं, आपके बात सही है कि बच्चों को उसमें रुचि बननी चाहिए। मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो, तो उनके लिए परेशानी थी, खिलाए क्या उसको। तो फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, तो हमने आपके लिए वहाँ तय कर लिया है आप, क्योंकि और कहीं पर भी आपके लिए वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए, आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी सेवा की। अब मैं गया,
सब मैंने देख, उन्होंने शोकेस किया हुआ था ऑर्डर देने के लिए, मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीजें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीजों का शेप ऐसा बनाते हैं ताकि वो मेंटली पहले प्रिपेयर हो। और आप भी कभी ताइवान जाए तो आज भी वो रेस्टोरेंट है। खैर मैं तो उसको देख करके राम राम करके वापस आया। यही इस बात का मैं ध्यान रखूंगी अपने नेक्स्ट कुकिंग वीडियो में कि जो दिखने में, पोषण के लिए जितना ज्यादा बल दे सके मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर पैसे क्या मम्मी ने बोला? नाउ द वाह नमस्कार। ओहो धन्यवाद। एंड नाउ द बेस्ट क्रिएटर इन द एजुकेशन कैटेगरी और इस पुरस्कार के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख। नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं, सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं। आपको नमन। बताइए नमन। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए। मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी